नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा विधायक दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज स्कूली बच्चों को साइकिल और निशक्तजन को ट्राई साइकिल वितरित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया गया। इसके साथ ही विधायक ने जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच और जनपद सदस्य से एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। रामगढ़ी की पहाड़ी में 3.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब स्टॉक की जा रही थी, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि रामगढ़ी की पहाड़ी में अवैध शराब स्टॉक की जा रही है, जो क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सप्लाई होगी। ग्राम सारना में पानी की किल्लत विकराल रूप धारण कर चुकी है। यहाँ पर पीने का पानी लाने के लिए लोगों को काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। महीने में सिर्फ एक दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि नल संचालक अपने रिश्तेदारों को ये पानी की नियमित सप्लाई कर रहा है। वहीं पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पेयजल भी व्यर्थ नाले में बह रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।